जिले में आने वाले मतदान स्थलों का जहां 19 मई को मतदान हुआ उनमें 313 विभिन्न संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान स्थल को वेबकास्टिंग हेतु चयनित किया गया, जिसकी वेबकास्टिंग कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सम्पन्न हुआ। गौरतलब है कि वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग हेतु कलेक्ट्रेट परिसर के जिलाधिकारी सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहाँ पर 56 इंच की स्क्रीन नामित एजेंसी द्वारा लगाया गया और जिलाधिकारी की तरफ से 19 लैपटॉप दिया गया था, जिसके माध्यम से बूथों पर निगरानी रखी गई। फिलहाल इन बूथों पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। इस मौके पर ITI चरगावा के प्राचार्य सुनील कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विनोद कुमार दीक्षित एवं सहयोगी राजकुमार ओझा, बलराम श्याम मोहन पांडे और सुमित मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए ITI चरगावा के प्राचार्य और प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा, वहाँ का डेटा है, डेटा तो और बूथ का है, मेरे पास जो बूथ मिला 314 का बूथ है। क्या चीज़ ये सर? आपके 43 के 43 ऑनलाइन ग्रामीण का है क्या? शहर का सब लोग अपना अपना मल्टी खोल रहे हैं, कहीं भी कम नहीं हो रहा। वो थोड़े दिन नेटवर्क आया तो फ्लक्चुएट होता ना, वो तो लेकिन रिकॉर्डिंग भी चलती रह रही है। हेलो, हाँ सर जी, मोबाइल 462। मल्टी कर दीजिए उसको। गोरखपुर और बांसगांव मिला करके कुल 1300 क्रिटिकल बूथ हैं, संवेदनशील बूथ हैं, जिनकी वेबकास्टिंग कराई जा रही है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस पर लैपटॉपों की व्यवस्था की गई है और 2 LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। नहीं, अभी तक जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं इसमें कहीं कोई अप्रिय घटना के संज्ञान में नहीं आया है। कब तक चलेगा ये? शाम मतदान खत्म होने के 6 बजे के बाद तक चलेगा। जब तक सील नहीं हो जाएंगे EVM तब तक वेबकास्टिंग होती रहेगी। सारे कैमरे चल रहे हैं, 313 के 313 चल रहे हैं।